हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ वर्डप्रेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी एक पर्टिकुलर पेज को ब्लॉग का पेज बना सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारा जो सबसे पहले आपका जो वर्डप्रेस का पेज खुलता है उसमें आपके सारे ब्लॉग्स अवेलेबल थे। ये देख सकते हैं, जैसे हमने चार ब्लॉग्स बनाए थे इससे पहले वाली वीडियोज़ में, तो ये चारों ब्लॉग्स हमारे फर्स्ट पेज जो हमारा वेबसाइट का खुला था उससे अवेलेबल था। तो इसमें चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जैम ऑन करना है, सर्वर ऑन करना है, जैम सर्वर। इसके बाद आपको एडमिन पैनल पर लॉगिन करना है। एडमिन पैनल पर लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे पेजेस के ऑप्शन पर। पेजेस के ऑप्शन पर आपको ऐड न्यू करना है, एक नया पेज क्रिएट करना है ब्लॉग्स के नाम से। आप किसी भी नेम से कर सकते हैं लेकिन ब्लॉग्स का रहेगा तो इसमें सारे आपके जितने भी ब्लॉग्स के कंटेंट हैं वो अवेलेबल होंगे। सिर्फ सिंपल यहाँ पे आपने पेज क्रिएट करा, इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश कर दिया, अब आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ब्लॉग्स के नाम से एक आपका पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको इसको मेन्यू में ऐड करना है। तो अपीयरेंस में मेन्यू पे क्लिक करा, मेन्यू में देखेंगे आपके कि ये आपके रीसेंट व्यू ऑल पे भी जा सकते हैं। ये आपका ब्लॉग्स का नाम था, एक पेज क्रिएट हो गया, इसे ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ऐड टू मेन्यू करने के बाद अभी हम देखेंगे कि वो हमारे मेन्यू में अवेलेबल रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉग्स का आपका मेन्यू में पेज अवेलेबल हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव मेन्यू कर देना है। सेव मेन्यू करने के बाद ये आपका मेन्यू में ऐड हो जाएगा। तो दूसरी, अब आपको एक मेन सेटिंग जो और करनी है वो आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में रीडिंग के ऑप्शन पर जाना है। रीडिंग के ऑप्शन पर अभी तक आप देख रहे थे कि आपका जो होम पेज डिस्प्ले हो रहा था वो कंटेंट आपका लेटेस्ट पोस्ट हो रहा था। तो यहाँ पे आप एक कोई भी एक पर्टिकुलर पेज जिसको भी आप चाहें उसे एक होम पेज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे होम नाम का एक पेज बना हुआ है, इसे मैं होम पेज रखता हूँ और पोस्ट पेज मैंने जो ब्लॉग्स का पेज बनाया था उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ पोस्टेज आप कितने दिखाना चाहते हैं उस ब्लॉग वाले पेज में वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 लिखा हुआ है इसमें, इसे बढ़ा भी सकते हैं आप, कम भी कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो भी ब्लॉग्स होंगे आपके पुराने पोस्ट होंगे वो आपके पेजिंग शुरू हो जाएगी उसकी 1, 2, 3, तो आप पुराने पोस्ट भी अपने वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसके बाद ये आपको कर दिया, आपने पोस्ट पेज ब्लॉग्स का कर दिया, इसको आप सेव चेंजेस कर देंगे। सेव चेंजेस के बाद हम अपनी वेबसाइट को विजिट करेंगे। तो वेबसाइट पर जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए ब्लॉग्स के नाम का मेन्यू आ गया है। नीचे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पहले ब्लॉग्स आ रहे थे वो अब नहीं है। जो हमने होम पेज बनाया एक स्टैटिक पेज, उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे उसमें। तो अब हम ब्लॉग्स पे जब क्लिक करेंगे तो ब्लॉग्स पे क्लिक करके हम देख पाएंगे कि जितने भी हमारे ब्लॉग्स थे वो सिर्फ सब एक पेज के अंदर हमारे क्रिएट हो गए, सेपरेट पेज के अंदर। तो ये हमारे 4 ब्लॉग्स बने हुए थे, 4 ब्लॉग्स हमारे पूरे एक ही पेज में आ गए। इसका साइज़ आप फिक्स कर सकते हैं, तो सारे ब्लॉग्स का जो आपका फीचर्ड इमेज है वो आपको एक सी दिखाई देगी। यहाँ पे थोड़ा साइज़ डिफर हो रहा है, आप साइज़ फिक्स कर सकते हैं, वो ऑप्शन मैंने बताया था पहले वीडियो में। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जब तो ये आपका पूरा ब्लॉग ओपन हो जाएगा बेसिकली। तो इस तरीके से आप सेपरेट ब्लॉग का पेज बना सकते हैं और अपना एक स्टैटिक पेज को होम पेज रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप हर पेज पे हेडर इमेज, सेपरेट हेडर इमेज को लगा सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।